गाइस आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ उस शख्सियत से जिससे मैंने बैत की है, जिसके हाथ पे ये मेरे भाई भी हैं, मुर्शिद भी हैं और बहुत प्यारे ही दोस्त भी हैं। मैं आज आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मैं एक दफा इनके पास, भाई के पास गया था और मैं बड़ा अपसेट सा था। भाई ने देखा, खैर है, क्यों इतना परेशान हो? वो वाकया मुझे, मेरी जिंदगी बदलने वाला वाकया है। मैंने कहा, यार बस पता नहीं यार, हर चीज पास है फिर भी जो है ना बेचैन हो। भाई ने मुझसे दो सवाल किए और यकीन करें मेरी जिंदगी सुलझ गई। ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी इस चीज को समझें। बड़ा ही आसान कुलिया है जिंदगी का। मुसलमान की या इंसान की तखलीक अल्लाह पाक ने कैसे की? मुझसे भाई ने सवाल किया कि आपकी तखलीक कैसे हुई। मैं नादान इंसान, मुझे नहीं पता। मैंने कहा, जी मिट्टी से। कहते और? मैंने कहा, जी और तो किसी चीज से नहीं, बस मिट्टी से। इन्होंने कहा, चलो जी मिट्टी से हो गई। तुम्हारी तखलीक मिट्टी से हुई है और तुम्हारी गजा की तमाम चीजें मिट्टी से तुम्हें हासिल हो जाती हैं। मैंने कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। फिर भाई ने एडिशन किया कि आपकी रूह आसमान से उतरी है जो आपके अंदर उतारी गई है। इंसान की तखलीक दो चीजों से हुई है, एक जिस्म मिट्टी का और आसमान से उतरी हुई रूह का। तो जो रूह की गजा है वो क्या है? मैंने कहा, जी जिस तरह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों को पता है जी नमाज, कुरान, रोजा। भाई ने कहा, नहीं। मैंने कहा, जी ये क्या बात हुई? कहते, रूह की गजा आसमानी चीजों में है। आसमानी चीजों से मुराद सबसे पहले इल्म है। इल्म कि आपको पता हो आसमानी चीज है क्या, आसमानी चीजों की रूहानियत क्या है क्या नहीं। मुझे बात बड़ी समझ आई। मैंने कहा, यार बात तो ठीक है, हमारा जिस्म मिट्टी का बना हुआ है, इसकी गजा मिट्टी से हमें मिल जाती है, हमारी रूह आसमान से उतरी है, इसकी गजा भी तो रूहानी होगी। तो भाई से मैंने पूछा, क्या? भाई ने कहा, सबसे पहले इल्म, आपको इल्म होना चाहिए कि रूहानी चीजों के बारे में, रूहानी चीजें या आसमानी चीजें हैं क्या। मैंने बात समझी। कुरान का इल्म, हम लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान के अंदर लिखा क्या हुआ है हमें समझ नहीं आता। फिर अहदीस को हम सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं। और बहुत सारा इल्म है जो आसमानी चीजों के बारे में है, जो हम में से बहुत कम लोगों के पास है। भाई ने जब मुझसे ये सवाल किया तो मैं तो बड़ा परेशान हुआ कि यार हमने तो अपनी जिंदगी जाया कर दी। हमारा जिंदगी का मकसद क्या था और हम लोग जीने में किस तरह लग गए। फिर भाई ने एक और बात मुझे बताई कि तुम्हें सोने के घर में अगर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। मैंने कहा, जी पहला दिन तो मेरा बड़ा अच्छा गुजरेगा कि जी सोना ही सोना मेरी हर तरफ होगा, मैं बहुत अमीर हो चुका हूं। लेकिन फिर भाई ने बताया कि जब आपको भूख लगेगी तब क्या करोगे, तब भी आप सोना तो नहीं खा सकते। मैंने कहा, जी बिल्कुल, तब मेरे मुझे खाना चाहिए। भाई ने कहा, उस वक्त आपको खाना नहीं मिलेगा, सोना ही है आपके पास, तो आपके लिए क्या वैल्यू होगी सोने की? मैंने कहा, जी सोने की वैल्यू ये होगी कि मैं सारा सोना बेचकर भी खाने के लिए कोई दो लुकमे ढूंढूंगा। मुझे ये समझ आई कि यार हमारी जिंदगी की जो रंगीनियां हैं उनकी वैल्यू इस तरह है। हम लोग एक सोने के घर में घिरे हुए हैं जहां पर हमारी रूह की गजा हमें नहीं मिल रही और हम लोग अपसेट रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। तो ये चीज इन्होंने मुझे बताई और यकीन करें मेरी जिंदगी बदल गई और उसके बाद मुझे डिप्रेशन का लफ्ज नहीं सुनने को मिला। आज भाई मुझसे फोन लेने के लिए आए थे, मैंने यकीन करें फ्री में भाई को फोन गिफ्ट किया है क्योंकि इन्होंने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सबक मुझे सिखाया। और ये मैं आप सब भाइयों के सामने इसकी ओपनिंग भी करके भाई को दिखाने लगूं, गिफ्ट करने लगूं भाई को। ये हम करेंगे भी ऐसे कि दोबारा रिपैक ना हो जाए। और बताएं, ये देखें गाइस, इसका हमने ये पेपर उतार दिया, नोट 30 प्रो की पैकिंग है ये। ये देखें, ये क्या खूबसूरत फोन है। अभी तो कवर के साथ है, अभी हम निकालने लगे हैं। ये ऑरेंज कलर, वाह क्या बात, ये चेक करें आप। अभी तो कवर भी उतार के दिखाने लगा हूं मैं आपको। लेदर की ऑरेंज बैक है, इसमें ओप्पो F21 प्रो इस कलर में आया था।
लेकिन ये उससे बहुत खूबसूरत है। 48 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, प्लस फ्रंट जो है वो 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ 5000 mAh बैटरी के साथ है। वो बहुत कमाल का फोन है सर, ये आपका तोहफा हमारी तरफ से।